कानपुर में बीजेपी नेता के होटल पर दबंगों द्वारा कब्जे करने का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार जूही डब्ल्यू ब्लॉक सचान चौराहे पर सोना मेंशन नाम का होटल है। बीती रात दबंगों ने होटल पर कब्जा करने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर वहां पर पहुंची। पुलिस को आता देख दबंग मौके से फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बर्रा थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके साथियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कि यहां पर कुछ गुंडे अराजक तत्व हमारी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं सोना मेंशन पर, जो कि 621/2829 डब्लू ब्लॉक जूही में है। तो मैं यहाँ पर आ गया और रुक गया, और जो प्रभारी हैं प्रकाश पाल जी, जो गुजरात के प्रभारी हैं, मैंने उनसे क्षमा मांगी कि कुछ दिन का मुझे समय दे दीजिए, मेरी संपत्ति पे कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं। जब मैं यहाँ आया कल, देखिए घटना ऐसी घटित हुई, 12 गुंडे लेके सत्यनारायण अग्रवाल वहाँ पर पहुँच गया फर्जी असलहे लेकर के, और मुझे जान से मारने की नीयत से ये लोग गए थे कि रवि सतीजा मिल जाए तो मैं उनको भून डालूँगा और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लूँगा। लेकिन मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि योगी राज्य की सरकार है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन इन गुंडों को अभी भी डर नहीं लग रहा है। जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी तब तक इनको डर नहीं लगेगा। इनको पता चलना चाहिए कि योगी राज्य की सरकार में तुमने जो ये गुंडागर्दी की है और छुपे हुए कैमरों में तुम्हारी सारी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, ताले तोड़ते हुए, गुंडागर्दी करते हुए, फर्जी असलहे लहराते हुए, तुमको सजा जरूर मिलेगी, इसलिए मैं थाने में खड़ा हूँ। फिलहाल जो जिनके ऊपर आरोप है वो कहाँ? वो थाने में बैठे हुए हैं, पुलिस उनको ले आई है एनआरआई सिटी से, वो वहीं पर मैनावती मार्ग पर रहते हैं, उनको पुलिस लेके आई है। जब मैं आया अभी एक आदमी पकड़ा गया है सत्यनारायण अग्रवाल, बाकी लोगों की अभी तफ्तीश चल रही है और उनकी जांच में जो फुटेज आई है उनकी सबकी उनको शनाख्त किया जा रहा है कि कितने लोग हैं, कौन कौन है, और या तो ये बताएं।